कैसे हैं आप सभी लोग, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। आज की जो वीडियो है बच्चों, कुछ बच्चे लोअर पीसीएस के एग्जाम के रिगार्डिंग पूछ रहे थे कि उसकी तैयारी कैसे करनी है, क्या करनी है, थोड़ा सा गाइड कर लीजिए। क्योंकि आप लोगों ने भी देखा होगा बीच में लोअर पीसीएस के एग्जाम को लेके कुछ अपडेट्स आई हुई थी कि जल्दी से जल्दी इसका अधियाचन आयोग को भेजा जाना है और आयोग उसको पब्लिश करेगा। संभवतः बहुत जल्दी हम लोग लोअर पीसीएस का एग्जाम देखने को मिलेंगे और उसके लिए यही होता है बच्चों, अगर आप अभी से तैयारी करेंगे तो आपका काम बनेगा, ठीक है। साथ ही साथ जो प्रवक्ता का है उसका भी बहुत से लोगों को वेट है, इंटर कॉलेज प्रवक्ता, उसका भी अधियाचन लोक सेवा आयोग के पास जा चुका है और उम्मीद करते हैं कि विद इन 1 वीक 2 वीक वही अपने आप में अधियाचन जो है पब्लिश हो, अधियाचन जो है अपने आप में विज्ञप्ति के रूप में, अगर उसमें कोई खामी न रही तो आप सभी को देखने को मिले, ठीक है। मेनली ये जो वीडियो है बच्चों उन छात्रों के लिए है, नए छात्रों के लिए, या कहें जो पहले से ही पढ़ते आए हैं, लोअर पीसीएस के रिगार्डिंग वो पूछ रहे थे। क्योंकि कई छात्र इसमें ऐसे हैं जो फिलहाल लोअर पीसीएस पे फोकस किए हुए हैं और एक कैंपेन भी उन लोगों ने संभवतः चलाया था कि लोअर पीसीएस का विज्ञापन जल्दी आ जाए, कहीं ये देख रहा था मैं तो। लोअर पीसीएस के रिगार्डिंग अगर विज्ञापन आता है, देखो पोस्ट आना ना आना कब आती क्या आती ये अलग मैटर है, मेन चीज़ ये है क्योंकि यहाँ पे इस चैनल पे जो चीज़ें हैं वो आपको इस आधार पे डिलीवर की जाती है कि आपको तैयारी कैसे करनी, क्या करनी है उस एग्ज़ाम के संबंध में, ठीक है। और एक बहुत अच्छी जॉब बच्चों जिसको आप लोग कहते हैं, और एक बहुत इतना ज़्यादा टफ भी नहीं है क्योंकि प्रीलिम्स के साथ मेंस है, तो मेंस में 2 पेपर इसमें होते हैं, आप सभी लोग जानते हैं। 50 नंबर का इंटरव्यू होता है, 400 नंबर का मेंस होता है, जिसमें इसमें संभवतः 200 नंबर का पहला पेपर हिंदी ड्राफ्टिंग और ऐसे राइटिंग का होगा और जो बाकी 200 नंबर है वो रिटर्न रहता है, वो भी रिटर्न होगा, वो जीएस के सेक्शन का रहता है और बहुत लेंदी क्वेश्चन नहीं आते हैं रिटर्न में, ठीक है। जैसे 25 शब्दों में लिखो, 50 शब्दों में लिखो और छोटे छोटे टॉपिक्स होंगे, जैसे नंदा राजजात यात्रा के बारे में लिख लो, या फिर अपने आप में ब्रह्मांड उत्सव के बारे में लिख लो, हिल यात्रा के बारे में लिखो उत्तराखंड के संबंध में, जीएस में मौलिक अधिकार लिख लो, मौलिक कर्तव्य लिखो, नीति निर्देशक तत्व के बारे में आता है, इस टाइप के छोटे छोटे जो टॉपिक होते हैं उनके बारे में लिखने को आता है। बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट बेस्ड वो नहीं रहता है पेपर बच्चों, ठीक है, मेंस का आज तक जो देखा गया, आने वाले समय में कैसा रहता है वो मैं आपको फिर बताते रहूँगा, ठीक है। देखो लोअर पीसीएस के एग्जाम के बच्चों 3 चरण हैं, ध्यान रखना इसको। पहला चरण है इसका प्रीलिम्स, ठीक है, 150 मार्क्स का, मैं आपको इसमें पूरी डिटेल बताऊंगा, ठीक है। सेकेंड स्टेप रहता है इसका मेंस का, जो कि अपने आप में 400 मार्क्स का रहता है, जिसमें 2 पेपर्स होते हैं। पहला पेपर होता है हिंदी और ऐसे राइटिंग का और सेकंड पेपर होता है जीएस राइटिंग का, ठीक है, ये आगे पीछे जो भी होगा देख लेना। और तीसरा इसमें चरण रहता है बच्चों 50 मार्क्स का इंटरव्यू वाला सेशन, ठीक है। यानी 3 सेशन इसमें रहते हैं, यानी 3 सेक्टर में आप इसका एग्जाम को देखेंगे। ये क्वालिफाइंग नेचर का है, ये और ये, इन दोनों को मिलकर कट ऑफ आपकी बनती है। और पद जो आते हैं इसमें, सबसे ऊपर इसमें नायब तहसीलदार रहता है, इसके अलावा बहुत से पद हैं बच्चों इसमें, चाहे जेल इंस्पेक्टर का पद हो, सप्लाई फूड एंड सप्लाई इंस्पेक्टर का हो, पंचायती राज में कहो, टैक्स डिपार्टमेंट में कहो, यानी अलग अलग विभागों में इसके संबंध में आपको क्या चीजें देखने को मिलती हैं बच्चों, पद देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब क्या है, बहुत से छात्र यहाँ पे, क्योंकि कुछ अपर पीसीएस वाले होते हैं वो भी इस फॉर्म को भरते ही हैं, कुछ आरओ एआरओ का सोचते हैं वो, कुछ लोअर पीसीएस का देखते हैं, ठीक है, और कुछ रेंजर वगैरह का देखते हैं। 3-4 एग्जाम ऐसे हैं जो जनरल एग्जाम है, अधिकांश बच्चों का सपना रहता है कि कहीं ना कहीं इन एग्जाम्स को क्रैक करके वो शासकीय सेवाओं में आए। और यहाँ पे अदर एग्जाम जो है ग्रुप सी लेवल के होते हैं, वो भी आप लोगों ने देखे होंगे, ठीक है। तो अलग अलग एग्जाम है, उनमें से लोअर पीसीएस अपने आप में एक महत्वपूर्ण एग्जाम जिसको माना गया, अच्छा एग्जाम जिसको माना जाता है वो है, ठीक है। एक अच्छा पद, एक प्रतिष्ठित पद अपने आप में रहता है लोअर पीसीएस का भी। अब देखो बच्चों, चूंकि अभी तो विज्ञापन आया नहीं है, जब आएगा उसकी डिटेल में हम बात तो तब करेंगे, लेकिन कुछ छात्र जैसे इंस्टाग्राम पे ही मैसेज आए थे कि सर लोअर पीसीएस के संबंध में एक बता दीजिए कि किस तरीके से तैयारी करनी। पहले जो मैंने पढ़ाया होगा, पहले जो बताया होगा, वो तो बच्चों क्या है, पुरानी चीजें हो चुकी हैं, वो पुराने बच्चे निकल भी गए हैं। क्योंकि समय के साथ साथ नए छात्र आते रहते हैं, हर किसी के जो अपने आप में तैयारी करने का सोच है या तैयारी करने की जो सोच है वो समय के साथ बदलते रहती है, कभी कोई कुछ सोचता है, कभी कोई कुछ सोचता है, कुछ नए बच्चे आते हैं। तो इसमें लोअर पीसीएस के जो संबंध में आया, पहला पेपर है बच्चों प्रीलिम्स, प्री का जो पेपर होता है बच्चों, इसमें 2 सेक्शन होंगे, 100 मार्क्स का आपका इसमें जीएस रहता है, ध्यान से समझना, जीएस में उत्तराखंड, ठीक है, जीएस प्लस उत्तराखंड, और बाकी 50 मार्क्स का इसमें मैथ्स और रीजनिंग रहती है। अब यहीं पे आप तय कर लो कि आपको, क्योंकि पिछले बार अगर आप इसकी कट ऑफ जाओगे, 12 नंबर बोनस के साथ 105 से प्लस इसकी कट ऑफ गई थी, ठीक है, बहुत ज़्यादा कट ऑफ चलेगी थी, ये इसका पैटर्न है, 100 मार्क्स का जीएस और उत्तराखंड, 50 की मैथ्स और रीजनिंग। अब ये आपको ध्यान रखना है, जिसने अपने आरओ का अगर प्रीलिम्स देखोगे आप, आरओ का प्री वही है जो लोअर पीसीएस का, अब सेम हो चुका है, ठीक है, लोअर पीसीएस और आरओ एआरओ का जो प्रीलिम्स है वो सेम है, दोनों एक ही पैटर्न पर बनते हैं। अब चूंकि हमने इसके साथ
साथ ये भी देखना है, अब प्रीलिम्स निकल दिया, इसमें कुछ भी हमने काम नहीं किया तो फिर मुसीबत आ जाती है। फिर ये सोचते हैं यार कैसे होगा, क्या होगा, प्री तो निकल गया, आगे बच्चे हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं उस चीज़ की। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ क्योंकि इसमें क्या है, अगर आप थोड़ा सा भी कोशिश करेंगे तो बहुत ज़्यादा टफ नहीं है लोअर पीसीएस का मेंस। अगर आप देखोगे वो तो बच्चों कॉम्पिटिशन है, ऐसा नहीं है कि अब आप ला रहे हो 200-400 में से 100 नंबर फिर कहोगे मेरा सिलेक्शन हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। और दूसरा, जितने नंबर ऑफ पद होते हैं उतने ही नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है सेलेक्ट होते हैं, उतने ही स्टूडेंट्स उसमें सेलेक्ट होते हैं, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। कॉम्पिटिशन है, कॉम्पिटिशन में तो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना होता ही है बच्चों, किसी का होगा किसी का नहीं होगा इतना जरूर है, जितने पोस्ट होंगे उतनों का तो होगा ही होगा, कौन होगा किसी को पता नहीं, जिसका प्रदर्शन बेहतर होगा वो होगा, वो आप भी हो सकते हैं, दूसरा भी हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है, ठीक है। जिसने बेस्ट किया उसका सिलेक्शन उसमें होता है। अब देखो यहां पर आप अपने आप पे जब इस तरीके के पोर्शन को आप देखते हो तो कई बच्चे तो खुश हो जाते हैं, लेकिन जिसकी मैथ्स रीजनिंग नहीं हो थोड़ा सा परेशान हो जाता है। बच्चों आज के टाइम पे कट ऑफ मान के चलिए आप 100 मार्क्स तो आपको चाहिए ही चाहिए, अगर आप सेफ होना चाहते हो। आप नॉर्मली एग्जाम देखोगे, अगर बेसिक पेपर बनाता है तो 100 नंबर तो हमें चाहिए, क्योंकि अगर हम 90-92 लेके आए उसके बाद हम इस दुविधा में रहें कि प्रीलिम्स हमारा निकलेगा नहीं निकलेगा, तो फिर वो समय बहुत ले जाता है, वो जो टाइम बहुत खा जाता है, वो क्या होगा आपका, आपको यहाँ सोच पड़े कि यार मेरा सिलेक्शन होगा नहीं होगा, और वहाँ प्रीलिम्स का रिजल्ट आ गया, और प्रीलिम्स के रिजल्ट आने तक कई बच्चे क्या करते हैं मेंस की आधी तैयारी कर लेते हैं। तो अपने को सेफ रखने के लिए एक सही स्कोर आपको करना होगा, ठीक है। सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं प्रीलिम्स की। प्री एग्जाम में आपको पता है कि 150 नंबर में 100 जीएस प्लस उत्तराखंड, उत्तराखंड बच्चों बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं आती है, और इसमें आपका जो उत्तराखंड आएगा लगभग 40 नंबर का आएगा, लगभग अनुमान मानोगे आप 40 नंबर की इसमें आपको उत्तराखंड देखने को मिलेगी, ठीक है। एक मतलब एक अनुमान के हिसाब से अगर आप मान के चलते हो, जीएस वाला सेक्शन, जीएस जिसमें जीएस करंट अफेयर्स कुछ क्वेश्चन कंप्यूटर के, ये जो टोटल मिला के आपका लगभग 60 मार्क्स का आएगा, ठीक है। अब साथ ही साथ मैथ्स और रीजनिंग है तो कहीं ना कहीं 20-30 नंबर की रीजनिंग और 30 नंबर की मान के चलो रीजनिंग प्लस 20 नंबर की इसमें मैथ्स मान के चलो, बाकी सिलेबस होता है उसके अकॉर्डिंग हमें पता चल जाता है जो भी होगा जैसा होगा जो टॉपिक होंगे। अब इसमें से इन सेक्टर में से अगर आप लोअर पीसीएस के मेंस के लिए जाना चाहते हैं आपको तो पहले ये पता होना चाहिए कि प्रीलिम्स का सिलेबस ये है तो हम आखिर स्कोर कहाँ से करें, किस पोर्शन से हम स्कोर करें, ठीक है। और मेंस के लिए क्योंकि समय भी मिलता है, समय जैसे 2-2.5 महीना मान के जो आप लोअर पीसीएस के प्रीलिम्स में लगेंगे और उसके बाद 4-4.5 महीने का वो समय देगा, यानी 6 माह का समय मोर देन इनफ। 6 मंथ बहुत होते हैं बच्चों, अगर आप रेगुलर तैयारी करोगे 6 माह का समय मेंस के लिए बहुत होता है। आपके पहले मेंस की तैयारी नहीं की हुई है या आपने पहले देखा नहीं है तो आप धीरे धीरे कोई चीज़ अगर जीएस वगैरह पढ़ना चाहते हो तो देख भी सकते हो, डीप स्टडी वगैरह। लेकिन अगर आप प्रीलिम्स को ही फोकस करके, अभी जब तक विज्ञापन नहीं आता सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स को फोकस करके अगर आप एग्जाम दोगे तो फिर आपके लिए बाद में मुसीबत आ जाएगी। तो मेरा तो यही सजेशन है, देखो सबका अपना अपना सोचना है, अपना अपना नजरिया है। मेरा जो नजरिया है, चूंकि अगर आप जब तक विज्ञापन नहीं आता आप मेंस के साथ जाइए, मेंस के जीएस के साथ जाइए, मेंस का जीएस आपको प्रीलिम्स का जीएस भी करवाएगा, यानी आप उत्तराखंड और जीएस के जो पोर्शन है वो ऐसे ही सोर्सेज से पढ़िए जो आपको थोड़ा लाभ दे, और जैसे ही आपका प्रीलिम्स का नोटिफिकेशन निकलेगा यानी एग्जाम विज्ञप्ति आएगी उसके बाद आप मेंस का बंद करके आप सिर्फ और सिर्फ प्री ओरिएंटेड स्टडी करना। दो तरीके होते हैं, आज से वन लाइनर पढ़ने से कोई फायदा नहीं, हो सकता है 2 महीने बाद विज्ञापन आए 2 महीने तक वन लाइनर पढ़ोगे क्या, या हो सकता है 10 ही दिन में आ जाए, जब भी आए लेकिन अभी तो पता नहीं ना किस दिन नोटिफिकेशन निकलेगा। तो मेरा ये कहने का मतलब है अगर आप जीएस वाला और उत्तराखंड वाला पोर्शन इसके हिसाब से भी साथ साथ लेके चलें तो बाद में आपको बहुत फायदा होने वाला है कि कब, जब आपका ये मेंस का पेपर होगा थोड़ा थोड़ा, ठीक है। अब आप कहोगे सर सोर्सेज क्या अपनाएं, किस तरीके से हम इसको और उसको साथ लेके जाएं। देखिए क्योंकि थोड़ा बहुत तो आता ही है बच्चों लिखने को, ठीक है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी ना आए, और हर एग्जाम का अपना एक क्या रहता है, एक स्टैंडर्ड रहता है कि किस टाइप के वहाँ क्वेश्चन आएंगे क्या आएंगे। अब इसके लिए अगर आप देखोगे तो अगर आपको चीज़ें लिखनी है तो मेरे नज़र में तो बच्चों दृष्टि आईएएस की किताबें अच्छी हैं इस चीज़ के लिए, क्योंकि वो आपको प्रीलिम्स में भी फ़ायदा पहुंचाएंगी, फैक्ट भी वो देगा थोड़ा सा, और थोड़ा सा रिटर्न का भी आपको आइडिया दे देगा। 25-50 शब्दों में किसी टॉपिक पे अगर आप लिखने की कला सीख पाओगे तो वहाँ से अगर दृष्टि आईएएस की किताबों से अगर आप टॉपिक पढ़ना शुरू करोगे तो छोटे छोटे टॉपिक बनाए हुए हैं, बाद में आपको बहुत मदद मिलेगी, क्योंकि हैं तो बहुत सारी किताबें मार्केट में। लेकिन अब सोच लो आप 20 शब्द 50 शब्द 60 शब्दों में लिखने के लिए 100 शब्दों में, और हर हिस्ट्री से 2-3 क्वेश्चन आएंगे, ज्योग्राफी से 1-2 क्वेश्चन आएंगे, इकोनॉमी से 2-4 क्वेश्चन आ जाएंगे, उत्तराखंड से 7-8 क्वेश्चन आ जाएंगे, इस तरीके से मेंस का बनता है। तो हम
अलग अलग सब्जेक्ट की बहुत स्पेसिफिक बुक कहें या अपने आप में कहें कि ना बहुत स्टैंडर्डाइज बुक की किताबें लें, तो फिर आपके लिए ये ना हो ना कि आप पढ़ तो रहे हो लेकिन वो बहुत अनावश्यक भी चीज़ें हो जाए, इसमें बहुत ज़्यादा आपके पास सिलेबस जुट जाए, ये थोड़ा सा इस चीज़ से बचना पड़ता है। होता क्या है, जो बेसिक टॉपिक हैं, अगर आप पॉलिटिकल साइंस खोलते हैं आपके बेसिक टॉपिक क्या हो सकते हैं, मेंस में फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, DPSP है, राष्ट्रपति और राष्ट्रपति का चुनाव है, उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रियाएँ हैं, या अपने आप में लोकसभा और राज्यसभा के बारे में स्टडी करना है, यानी पार्लियामेंट के बारे में, बजट कैसे पेश होता है, क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट की क्या शक्तियां हैं, सुप्रीम कोर्ट किस तरीके से कार्य करता है, भारत का कैग क्या करता है, यानी अपने आप कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया का क्या वर्क है, किस तरीके का ये काम करता है, या भारत का महान्यायवादी क्या होता है, राज्यपाल राज्यपाल की शक्तियाँ क्या हैं, राज्य का मुख्यमंत्री और उसके कैबिनेट के क्या कार्य होते हैं, या इसके मतलब किस तरीके से वर्क करता है, राज्य विधानसभा राज्य विधान परिषदें क्या होती है, ये बेसिक छोटे छोटे टॉपिक तो आपको पता होने चाहिए ना। मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत डेप्थ में इन चीजों को पढ़ो, लेकिन एटलीस्ट आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया रहेगा, मेंस में रिटर्न में आपको बहुत फायदा होगा। तो मेरा जो नजरिया है बच्चों, अगर आप लोग अभी से, जैसे क्योंकि मैंने पहले भी सजेस्ट किया आपको, दृष्टि IAS की अगर GS क्विक बुक पढ़ते हैं, GS की क्विक बुक आती है उनकी, वो थोड़े छोटे टॉपिक बने, लेकिन ध्यान से समझना, ये लेना तब जब आप थोड़ा सा मेहनत करो और थोड़ा सा चीज़ों को समझ के स्टडी करो, क्योंकि कई बच्चों को इसकी लैंग्वेज समझ में नहीं भी आ सकती, पॉसिबिलिटी ये भी है, ठीक है। इसके लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, और जो टॉपिक आपको समझ में नहीं आएगा आज के डेट पे, तो यूट्यूब वगैरह पे या बहुत सारा नेट वगैरह पे इतना कॉन्टेंट भरा पड़ा है, चीज़ें अगर आप मदद लेनी होंगी तो कहीं से भी ले सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप साथ ही साथ अभी से ये किताबें पढ़ते हैं, जब तक विज्ञापन नहीं आता, तो इससे आपको एक तो प्रिय बनेगा, प्रीलिम्स बनेगा ना, साथ ही साथ आपका क्या होगा उसके साथ साथ मेंस के लिए आपको एटलीस्ट एक आइडिया तो रहेगा ना। अब आपको अगर सर प्री कैसे होगा, फिर प्री जिस दिन विज्ञापन आएगा, 2-2.5 महीने का समय है ना, तब तक आप ये पढ़ तो रहे हो, तब तक काम बन तो रहा है ना आपका, तब तक ये चीज़ें कर लो, जब विज्ञापन आएगा उसके बाद प्रीलिम्स के लिए 1.5-2.5 महीने कैसे तैयारी करनी, सिर्फ प्री ओरिएंटेड, क्योंकि अभी से अगर बिना विज्ञापन आए प्री ओरिएंटेड स्टडी करोगे तो नुकसान हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि सिलेक्शन सिर्फ प्री में नहीं लेना है, सिलेक्शन लेना है फाइनल, फाइनल सिलेक्शन लोगे तब तो फायदा है ना, अदरवाइज सिर्फ प्री ही निकालना उद्देश्य, तो अभी से प्री पढ़ लीजिए, मेरा तो यही आप लोगों के लिए सजेशन है, ठीक है। इसके साथ चूंकि उत्तराखंड का पोर्शन है, तो मैं ये नहीं कह रहा कि ये अभी देखो, ये बाद में देखना, इसको देखने की जरूरत है ही नहीं आपको, आप ऐसी चीज देखो जो प्री में भी हेल्प करे और मेंस में भी, और वो ये चीज है मेंस की GS और उत्तराखंड, ठीक है। इसके हिसाब से अगर आप पढ़ना शुरू करोगे आपका यहां फायदा हो जाएगा, और इसके लिए आप जो है वेट करना, ये आपका जब प्री का एग्जाम आपका हो जाता है उसके बाद में इसके लिए गाइड करूंगा कैसे कैसे आपको चीजें देखनी है, ठीक है। अब देखना, चूंकि ये पोर्शन तो हो गया, अब क्या रहता है इसमें उत्तराखंड, उत्तराखंड चूंकि प्री में भी आती है बच्चों 40 नंबर की ये वो, तो आपके लिए उत्तराखंड भी थोड़ा सा सही से स्टडी करनी होगी। परीक्षावाणी बेसिक किताब है बच्चों, परीक्षावाणी से आपको एक आइडिया आ जाएगा, कुछ विंसर ईयर बुक से आप ले लोगे, कुछ चीज़ें आपको लोकल की जो है लैंग्वेज में लिखना आता है आपको, तो छोटी छोटी चीज़ें जो है बनी पड़ी उसको अपनी लैंग्वेज में लिखे, 20 शब्द 25 शब्द 50 शब्द में चीज़ें लिखी जा सकती है। तो उत्तराखंड के लिए जैसे आपने परीक्षावाणी ले ली और विंसर ईयर बुक बाद में लेना या अभी लेना जो भी है, ठीक है, थोड़ा सा विंसर ईयर बुक आपको हेल्प कर देगा, थोड़ी उत्तराखंड इतिहास की किताबें हैं चाहे अजय रावत जी की, यशवंत कठौत जी की, या मैं जो करा रहा हूं आजकल फाउंडेशन बैच, वहां से भी आपको बहुत मदद मिलेगी उत्तराखंड इतिहास के लिए, ठीक है। क्योंकि वो मैं पूरा ही कराऊंगा फाउंडेशन बैच, अब क्योंकि शुरू हो गया होगा, आपने नोट भी कर लिया होगा, पहले तो मैंने स्टार्ट किया फिर रुक गया था बीच में, वो फाउंडेशन बैच को हम साथ लेके चलेंगे, उससे क्या होगा एक आपकी आधारशिला मजबूत हो जाएगी, वो थोड़ा डिफरेंट टाइप से मैं उसकी स्टडी कर रहा हूं, थोड़ा डीप उसको हम लोग पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा सा चूंकि व्यस्तता के कारण क्लासेस में गैप हो रहा है, और मैंने आपको पहले कहा है इस साल थोड़ा रहेगा बच्चों ऊपर नीचे डिस्टर्बेंस रहेगा, फिर कुछ समय बाद मैं आपके साथ रेगुलर हो जाऊंगा, लेकिन आप ये समझना ऐसा नहीं कि बिल्कुल क्लासेस नहीं आएंगे, ठीक है, जितना होगा मैं आपको दूंगा। तो ये ध्यान रखना उत्तराखंड का जो पोर्शन है, अगर आप लोअर PCS के हिसाब से देखेंगे तो परीक्षावाणी विंसर ईयर बुक या अजय रावत और अपने आप में जो यशवंत कठौत जी, उनमें से कोई भी किताब आप देख सकते हो, लेकिन परीक्षावाणी मस्ट है बच्चों, उसमें होलसोल आपको एक आइडिया आ जाएगा, ठीक है, उत्तराखंड के लिए, बाकी मैंने आपको बताया। साथ ही साथ नहीं अगर आपको समय हो पाता, जॉब करते हैं कुछ करते हैं, बहुत सी चीज़ें पढ़ी हैं इसमें, ठीक है, जैसे जिला सीरीज पढ़ी है आपकी इस चैनल पे, आप वो देख सकते हो, देहरादून जिले से लेकर हरिद्वार जिले तक मैंने सारा उसमें कवर कराया है, बहुत अच्छा बेसिक आपका उससे बन जाएगा, ठीक है। इंडिविजुअल टॉपिक सीरीज मैंने आपको कराया है, उत्तराखंड का इतिहास फाउंडेशन बैचेज हम बैच देख रहे हैं, तो उत्तराखंड तो आपको वैसे ही बन जाएगा, बाकी ये किताब लो आपका काम उससे बन जाने वाला है। तो जब आप अभी से इस चीज़ की तैयारी करोगे तो आपको फायदा होगा, लेकिन मैं आपसे ये कहूँगा
प्री का एक पोर्शन आपको अभी से देखना चाहिए, वो है मैथ्स रीजनिंग, ठीक है। ये आपको अभी से, क्योंकि ये चीज क्या होती है ना, ये बाद में नहीं देखोगे आप, बाद में सिर्फ जिए। मैं चाह रहा हूं कि प्री के साथ साथ आप चीजें इस तरीके से लेके चलो, आपकी तैयारी सही तरीके से हो जाए बच्चों। ऐसा नहीं कि वन साइडेड ही आप तैयारी कर पाओ या आपसे नहीं हो पा रहा, इस टाइप की चीजें ये आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो मैथ्स रीजनिंग साथ साथ लेके चलिए, थोड़ा थोड़ा करिए, लेकिन जरूर उसको डेली टच पे रहिए। आप कुछ ना कुछ सीखते रहे, चाहे एज वाले क्वेश्चन सीख रहे हो, परसेंटेज सीख रहे हो, जो भी सीख रहे हो, ठीक है, मैथ्स रीजनिंग में। और जैसे एसआई वगैरह की तैयारी जो कर रहा होगा, लगभग मैक्सिमम बच्चे हैं ही, वो उनका तो हो ही रहा होगा मैथ्स रीजनिंग, ठीक है। उत्तराखंड के लिए मैंने बता दिया ये पढ़ना, साथ ही साथ इसका मेंस का भी ऑटोमेटिकली बनेगा उत्तराखंड से, ठीक है। जीएस के लिए फिलहाल ये बता दिया है, और हिंदी और एसे राइटिंग को मैंने वेट करने को बोला, तब जाके आप अभी से तैयारी करोगे ये होगा, ठीक है। अब जैसे ही नोटिफिकेशन आ जाएगा, आप लोगों की स्टडी क्या हो जाएगी, कंप्लीटली प्री ओरिएंटेड हो जाएगी। फिर आपको मेंस का फिलहाल नहीं देखना होगा, 2-2.5 महीने आपको खुद को झोंक देना होगा, खुद को जी जान से तैयारी करानी होगी कि आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाए, और उस समय आपको ये चीजें बहुत काम आएंगी जो आप अभी से देख रहे हो। और ये चीजें, ये पैटर्न कब तक रखिएगा, जब तक आपका नोटिफिकेशन नहीं आता। जिस दिन नोटिफिकेशन आ जाएगा उसके बाद आपको चीजें नहीं देखनी है, ठीक है। प्री की स्टडी कैसे करनी, क्या करनी है, वो मैं आपको तब बताऊंगा जिस दिन आपका नोटिफिकेशन आएगा। अभी के लिए लोअर पीसीएस में फाइनल सिलेक्शन लेना है तो इस तरीके के इस पैटर्न पे आपको अभी से चलना होगा। मैथ्स रीजनिंग जरूर करिएगा, मेरा तो यही सजेशन है। मैथ्स रीजनिंग और रीजनिंग मैथ्स के बेसिक टॉपिक आते हैं, आपको पता ही है मैथ्स के कौन से टॉपिक होंगे, रीजनिंग के कौन से होते हैं, डायरेक्शन है, एज फैक्टर है, कैलेंडर है, घड़ी है, परसेंटेज है, एवरेज है, लॉस एंड प्रॉफिट एंड लॉस है, और इसके अलावा रेलगाड़ी से संबंधित क्वेश्चन है, वही तो आता है मैथ्स में, ठीक है। ये सब चीजें एक बार करना, कोशिश करना, आपका काम होगा अच्छा, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये बातें आपके समझ आई होंगी, सही तरीके से एक बार चिंतन मनन करके इसको बना लीजिएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले सेशन पर, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।